हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मास्क पहनकर दी 10वीं बोर्ड की परीक्षा। परीक्षार्थियों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद परीक्षा केंद्र में मिला प्रवेश। कोरोना संक्रमण के चलते करीब सवा 3 महीने पूर्व स्थगित की गई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं की शेष 2 विषयों की परीक्षाएं सोमवार से वापस शुरू हो गई। पहले दिन सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग के सभी मानक पूरे करते हुए परीक्षा ली गई। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले सभी परीक्षार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, साथ ही उनके हाथ में सैनिटाइज करवाए गए। सभी परीक्षार्थियों ने मास्क पहनकर परीक्षा दी। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय डॉक्टर भल्लूराम खीचड़ ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की शेष रही परीक्षाएं आज से शुरू हुई। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से पूर्व विद्यार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और हाथों को सैनिटाइज करवाया गया। इसके बाद ही विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई। परीक्षा केंद्र में सभी विद्यार्थियों के लिए मास्क की अनिवार्यता रही, जिससे सभी परीक्षार्थी मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते नजर आए। आज पहला पेपर सामाजिक विज्ञान विषय का हुआ। इसके बाद मंगलवार को गणित का पेपर होगा। परीक्षा का समय सुबह 8:30 बजे था। हिंदी, इंग्लिश, थर्ड लैंग्वेज और विज्ञान की परीक्षाएं पहले ही हो चुकी हैं। परीक्षा को लेकर स्कूल भवनों और कक्षाओं को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। कक्षाओं में भी परीक्षार्थियों की टेबल कुर्सी में उचित दूरी का पूरा ध्यान रखा गया। परीक्षा केंद्र सहित बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए कार्मिक लगाए गए। गौरतलब है कि 12 मार्च को परीक्षाएं शुरू हुई थी और बाद में 19 मार्च को स्थगित कर दी गई थी। इस बीच जितने प्रश्न पत्र हुए उनके बाद अब बाकी प्रश्न पत्रों के लिए आज से परीक्षाएं शुरू हो गई। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से खास रिपोर्ट।